नाज़रीन गहमा गहमी है यहाँ पर और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर तशरीफ लेकर आई हैं। आइए आगे चलते हैं, मज़ीद भी लोगों से बात करते हैं। प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है वहीद गुल साहब ने और क्या कह रहे हैं ये, नैब तेरी बदमाशियाँ, हम नहीं मानते, 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 नैब तेरी बदमाशियाँ। सवाल सुन ले भाई, ये सवाल सुन लीजिए, सवाल सुनने दे, सवाल करने दे, सवाल भाई साहब ये क्या अंदाज है आपका? देखिए जिस तरह की बदमाशी जो है वो आज नैब ने इमरान खान के कहने के ऊपर की है और उसकी जो इक्तदार की जो कश्ती है वो डूबती हुई नजर आ रही है, वो इस तरह के हथकंडे करके अपनी तवज्जो महंगाई से, बेरोजगारी से, डॉलर के डीवैल्यू होने से, सोने की ऊंची उड़ान से और महंगाई से और गरीबों के ऊपर बिजली का बिल गिराने से, सुई गैस के बिल बढ़ाने से तवज्जो हटाना चाहता है। मगर हम बताना चाहते हैं कि आज जिस तरह से तुमने हमारे कायदीन के इज्जत को पामाल करने की कोशिश की है, हम भी तुम्हारी इज्जतों को पामाल और लिलाम करेंगे। चलिए चलिए सवाल सुन लीजिए, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए, अब ये बता दीजिए असासा जात में गैर मामूली इजाफा कैसे हो गया सुलेमान शहबाज का और हमजा शहबाज का? देखिए ये तो सबसे पहला सवाल आपका इमरान खान से होना चाहिए था, जो बड़ा इंसाफ का अलमदार बनता है कि अलीमा बीबी के अलीमा बाजी के जब असासे सामने आते हैं तो उनके ऊपर तो कोई जीआईटी नहीं बनती, और जब जो है वो केपीके की अपनी अपना जो चीफ मिनिस्टर की जो है कमेटी जो रिपोर्ट पेश कर रही है जिसमें अरबों के करप्शन के सामने आए हैं सबूत, तो वहां तो कोई एक्शन नहीं है। तो यहां तो जो है वो हमजा शहबाज शरीफ साहब जो है वो ऑलरेडी हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के ऊपर जो है वो बैठे हुए हैं, मगर सब कुछ करने का मकसद एक ही है कि इनकी इक्तदार की कश्ती डामाडोल है और ये तवज्जो हटाना चाहते हैं, मगर हम उनको ये रास्ते। नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होंगे प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ।